हर हर महादेव। देखिए एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, धर्मांतरण से संबंधित है। एक धनंजय चौहान क्षत्रिय हैं राजस्थान से, वे कह रहे हैं प्रणाम आचार्य जी, मैं आर्य समाजी हूँ, अब आर्य समाज छोड़ने वाला हूँ, अभी छोड़ा नहीं है। मैंने आर्य समाज में रहते हुए शास्त्र निंदा, देव निंदा, आचार निंदा आदि की है, राधा जी को काल्पनिक बोला है, पुराणों को मिलावट बोला है, अन्य प्रामाणिक ग्रंथों को मिलावट बोला है, मैं इन सब पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के कारण मैं आर्य समाज से जुड़ा और इन सब पाप का भागीदार बना। लगभग 3 वर्ष तक मैं आर्य समाजी था, अब मैं वापस सनातन धर्म में आ रहा हूँ। आप जैसे विद्वानों के सद्विचारों को सुन करके सद्बुद्धि प्राप्त हुई है, कृपया मेरे कल्याण का मार्ग बताएं जिससे मैं उन सब पापों का प्रायश्चित कर सकूं। देखिए बात तो निश्चल रूप से कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ ईश्वर से ज्यादा भी वेदों की निंदा का अपराध है। देखिए शास्त्रों में वेद निंदा की जो है बड़ी निंदा की गई है, वेद निंदा नहीं करनी। सरलतम भाषा में बतलाएं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि कल्प कल्प भर एक एक नर का, कल्प कल्प भर एक एक नर का, परे जे दूषण श्रुति कर तरका। जो वेदों को श्रुतियों को तर्क वितर्क करके दूषित करते हैं, उनको मानते नहीं है, अर्थ बदल देते हैं, वे एक एक कल्प तक एक एक नरक में गिराए जाते हैं। तो ये आर्य समाजी लोग क्या करते हैं कि वेदों का जो वास्तविक अर्थ है इसका खंडन करके, हम मूर्ति को नहीं मानते हैं, हम अवतारों को नहीं मानते, हम इनको नहीं मानते, हम जाति को नहीं मानते, हम जन्मना जाति को नहीं मानते हैं, ये सब जो वेद के वास्तविक विषय हैं इनका, इन पर कुठाराघात करते हैं, इनको बदल देते हैं, माने वेद की निंदा करते हैं। इसीलिए हम सनातनी इनको नास्तिक कहते हैं, आधे वेद को मानते हैं। ये जो है वेद के दो भाग हैं, वेद के दो भाग हैं, मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम धेयम, मंत्र और ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण माने विधि भाग और मंत्र माने संहिता भाग, तो ये संहिता भाग को मानते हैं, विधि भाग को मानते नहीं, तो आधा वेद तो बिल्कुल ही नहीं मानते, और आधा जो मानते हैं उसकी आधी बातें नहीं मानते। जब जाति को नहीं मानते, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, जन्मना जाति मानते नहीं है, और किसी भी अवतार को नहीं मानते, पुराणों की बातों को नहीं मानते, तो इस रूप में इनका नास्तिक की परिभाषा हमारे यहां ये नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानना, ईश्वर को जो लोग नहीं मानते वे नास्तिक नहीं है, नास्तिक वे लोग हैं जो वेदों की निंदा करते हैं, नास्तिको वेद निंदा कहा। परंतु ये लोग तो कहते हैं कि हम तो वेद के अनुसार कार्य करते हैं, हम तो वेद को मानते हैं। नहीं, वेद को आप उतना मानते हो, वेद की बड़ाई करते हो, परंतु वेद का जो वास्तविक विषय है उसको बदल करके अपने अनुसार उसका अर्थ करके उसको मानते हो और उसी को वेद मानते हो। वास्तव में जो वेद वांग्मय है, जो विस्तार से, उसके आधे को वेद मानते हो, उसी में से कुछ बातें काट छांट करके और उस बात को मानते हो। तो ये वेद को मानना नहीं हुआ, ये वेद को मारना हुआ। तो ऐसे लोगों की बड़ी निंदा की गई है। फिर शास्त्र में यह भी बतलाया गया है कि अपिचे दुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। गीता में भगवान कहते हैं कि अपिचे दुराचारो, चलो मान लिया बहुत बड़ा दुराचारी था, सुदुराचार, दुराचार नहीं, अपिचे सुदुराचार, बहुत बड़ा दुराचारी था,
लेकिन फिर भी उन सबको छोड़ करके, उनका परित्याग करके माम अनन्य भाग भजते, भजते माम अनन्य भाग स साधु एव, वो साधु ही है, साधु मंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि अब सम्यक व्यवस्थित हो हिसा, यदि वो सम्यक व्यवस्थित हो गया है उन सभी कर्माकर्म विकर्मों का परित्याग करके, प्रायश्चित करके और भगवान निष्ठा पूर्वक, सत शास्त्र निष्ठा पूर्वक, वेद की सच्ची बातों में निष्ठा रखता है तो वो साधु ही है, माने एक तरीके का सज्जन ही है, सज्जन है, उसको मतलब क्षमा कर देते हैं ठाकुर जी। तो इस दृष्टि से आप लिख रहे हैं, आप आना चाहते हैं नहीं, अगर दृढ़ निश्चय है तो आपने कह भी दिया कि मैंने उसको छोड़ दिया हूं, ठीक है, तो उन सबको छोड़ करके और आप ये जो है पंचगव्य का पहले प्राशन करें, गोबर गोमूत्र और घृत दधि दुग्ध, इन पांच वस्तुओं को मिला करके किसी आचार्य से मंत्र पूर्वक बनवा करके और फिर जो है पंचगव्य प्राशन करें, भगवती गंगा जी में स्नान अवगाहन करें, अपनी शक्ति के अनुसार जो है व्रत करें और अगर विराते हैं, आपने लिखा नहीं है यज्ञ अभी तो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अभी आपकी आयु आपने कम लिखी है, 20 वर्ष लिखा है तो अभी आपका उपनयन हो सकता है, अच्छे वैदिक आचार्य से, अपनी शाखा वाले आचार्य से आप विधि पूर्वक उपनयन कराएं और फिर संध्या वंदन इत्यादि अवश्य करें, गो माता की आराधना करें, तथा आपने आचार निंदा की है तो आचार चरणों में जाकर के निश्चल भाव से प्रणाम करें और उनसे क्षमा मांगें, तथा कहें कि मैंने आपका अपराध किया है, आप जो उचित दंड दें तो वे क्षमा ही करेंगे या आपको कुछ बतलाएंगे तो उनकी आज्ञा का पालन भी करें। और राधा जी को काल्पनिक कहा है तो विधि पूर्वक श्री राधा कृष्ण का पूजन करें, पुराणों की निंदा की है इसलिए आप लोग जो है कोई भी एक पुराण का कम से कम वाचन करें, पढ़ें, और आपको नहीं पढ़ना आता है तो किन्हीं आचार्यों से पढ़वाएं और उसका श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करें, ये जो है आप अवश्य करें और निश्चल भाव से ये जो है प्रायश्चित करें, ये अफसोस करें मन में, पश्चाताप करें कि हमने ये बहुत गलत किया, अब मैं कभी नहीं करूँगा, और भगवान के चरणों में प्रेम करें तथा नाम जप करें, नाम जप की बड़ी महिमा है, तो नाम जप करें, है ना, कम से कम जो है जो 1,00,000 नाम जप हो जाए, नाम जप बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा नहीं है, तो राम 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 राम, इसमें बहुत जल्दी हो जाता है नाम जप, या हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है तो इसका जप करें, तो ये प्रायश्चित है और ये कोई ज़्यादा नहीं है प्रायश्चित, इस तरीके से आप इस अपराध से छूटेंगे और सन्मार्ग में लगेंगे तथा कल्याणकारी ये मार्ग है, ये विधान है। और उन लोगों की ऐसी बातों को, वार्ताओं को नहीं सुनना है जो कि धर्म विरोधी हों, और आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें होंगी जिनको आप मानते होंगे कि चलो ये बात तो इनकी सही है, उसको भी परिमार्जन कर लेना, शास्त्रों से देख लेना क्या वो सही है नहीं है, ये बात बतलाया गया है, ठीक है जी। हरे हरे।